दोस्तों, आपको नववर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हम अपनी संस्थान की ओर से कामना करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नया साल आने से पहले हमारे मन में अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होती है कि आने वाला नया साल हमारे लिए किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। क्या इस वर्ष हमारा व्यवसाय प्रगति करेगा? क्या हमें अपना मनचाहा साथी मिलेगा? क्या घर में सुख शांति बनी रहेगी? हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं? हमारे पास धन संपत्ति आएगी? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? न जाने कितने सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। उन सवालों के जवाब पाने के लिए ही हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों ने आपके लिए वर्ष 2019 का वार्षिक राशिफल विभिन्न 12 राशियों के अनुसार आपके लिए तैयार किया है। सौर मंडल में स्थित नवग्रहों की चाल तथा उनका विभिन्न 12 राशियों पर पड़ने वाला सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम क्या होगा, आइए अब हम जानते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और साथ में दिया गया बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए अब हम जानते हैं मिथुन राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। राशिफल 2019 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस साल मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आइए अब हम जानते हैं करियर कैसा रहने वाला है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह वर्ष बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको अपने करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप करियर को लेकर बहुत सजग रहेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए सावधानी बरते। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष तनाव भरा रहेगा। आईटी में काम करने वाले जातकों को सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। समय का सदुपयोग करें, अन्यथा यह मौका आप हाथ से गंवा सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र से संबंध रखने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रशंसा मिलेगी। इस साल के मध्यकाल में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। अगर व्यवसाय में आपको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है या रुकावटें आ रही हैं तो निराश ना हो, बल्कि और अधिक परिश्रम करें। अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कीजिए। प्रशासनिक कार्य करने वाले जातकों के लिए इस वर्ष काम का तनाव बढ़ने वाला है। पहले से ही अलर्ट रहे। जो लोग अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं उनको अधिक परिश्रम के बाद सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए परिश्रम करना कभी भी ना छोड़े। आइए अब हम जानते हैं पारिवारिक जीवन वर्ष 2019 में कैसा रहेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि परिवार में थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकरार होती रहती है, वही स्थिति वर्ष 2019 में भी देखने को मिलेगी। परंतु इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा पारिवारिक सुख मिलने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत के 3 महीने घर में कलह देखने को मिलेगा। परस्पर संबंधों में तालमेल की कमी तथा कड़वाहट देखने को मिलेगी, परंतु उसके बाद हालात सामान्य होते जाएंगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करें तथा उनकी बात मानने से कभी भी मना ना करें। घर का वातावरण सुखद रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सकता है उनके स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो। इस साल आपके घर परिवार में समारोह होने के संकेत मिल रहे हैं। भाई बहनों के साथ भी अभी प्यार में कमी देखने को मिलेगी। इस वर्ष पढ़ाई या काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप विदेश यात्रा करें। इस वर्ष का अंतिम महीना पारिवारिक सुख शांति में बाधा उत्पन्न करने वाला साबित होगा, इसलिए जहां तक संभव हो क्रोध अहंकार कलह से बचे और अपने पारिवारिक सुख का आनंद ले। आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। वर्ष 2019 आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। आपके पास धन लाभ के कई स्रोत उपलब्ध होने वाले हैं। आप अपने धन का संचय करेंगे तथा निवेश भी करेंगे, परंतु आप अपना धन शेयर पॉलिसी आदि में निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें तथा घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, अन्यथा धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने व्यापार के सिलसिले में घर से दूर या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस वर्ष विदेश यात्रा भी सफल होगी। आपको व्यवसाय में अच्छा धन लाभ होगा। वर्ष के मध्यकाल में व्यवसाय को लेकर थोड़ा सतर्क रहें,
क्योंकि अचानक किसी प्रकार की रुकावटें आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। वेतन में वृद्धि होगी तथा ऊंची पोस्ट मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। हमेशा ये ना सोचे कि रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार अचानक कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए खर्च उतना ही करें जितनी जरूरत है, बचत अवश्य करें, धन आगे आने वाले समय के लिए संभाल कर रखें। आइए अब हम जानते हैं संतान के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। आपको इस वर्ष संतान सुख की प्राप्ति होगी। बच्चे तो मोड़ी होते हैं, आपको कई बार उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर उन्हें खुश रखना होगा। वैसे तो बच्चों के लिए यह वर्ष बेहतर तरीके से व्यतीत होने के संकेत मिल रहे हैं। पढ़ने वाले छात्रों का मन पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद तथा मोबाइल आदि की ओर ज्यादा आकर्षित होगा। ऐसे में उन्हें जीवन और पढ़ाई की अहमियत समझाने का प्रयत्न करें। बच्चे जरूर समझेंगे, उन्हें ज्यादा डांट फटकार ना लगाए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहेगा, उनकी सफलता देखकर आप भी खुश होंगे। इस वर्ष के अंत में बच्चों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी होंगी, उनकी सेहत का ध्यान अवश्य रखें। उन्हें फास्ट फूड से दूर रखना है तथा घर का बना सादा भोजन ही देना है। कई बार तो अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आ सकती है, इसलिए सतर्क रहे। इस वर्ष के मध्यकाल में अपनी संतान से बहस भी हो सकती है, जो हाथापाई तक पहुंच सकती है, इसलिए अपने व्यवहार में नरमी रखें। बच्चे का मन गलत कार्य की ओर भी आकर्षित होने में देर नहीं लगती, इसलिए अपने घर का वातावरण अच्छा बनाए रखें, जिससे संतान अपना अधिक समय घर पर ही व्यतीत करे। अगर आपके संतान की आयु 10 वर्ष के भीतर है तो निश्चित रूप से आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष उनका अधिकतर समय डॉक्टरी इलाज में व्यतीत होने वाला है। अगर आपने सावधानी बरती तो निश्चित रूप से बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। आइए अब हम जानते हैं शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उत्तम है। जो छात्र माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको परिश्रम के अनुसार अच्छी सफलता मिलने वाली है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतने प्रतिशत अंक उन्हें हासिल होने वाले हैं, परंतु बिना परिश्रम के आपको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस वर्ष मेहनत अवश्य करें, अच्छा फल तभी मिलेगा। जो छात्र बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत और आत्मविश्वास कभी ना खोए। जो छात्र इंजीनियरिंग, MBA या किसी क्षेत्र में डिप्लोमा आदि कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहतर साबित होगा। मनवांछित सफलता मिलने वाली है तथा विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष पढ़ाई के सिलसिले में आप विदेश यात्रा भी करेंगे। मिथुन राशि के छात्र किसी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष उनको सफलता अवश्य मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष के शुरुआती 3 महीने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। किसी न किसी तरह से स्वास्थ्य खराबी के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष आपको चमड़ी से संबंधित दिक्कतें होने वाली है, इसलिए पहले से ही सतर्क रहे। संभव हो सके तो धूल मिट्टी आदि से अपना बचाव रखे, और थोड़ी भी त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न रही हो तो स्किन स्पेशलिस्ट को अवश्य दिखाए। अपनी रोजाना की दिनचर्या में सुधार लाए। फिट रहने के लिए योगाभ्यास करें। छोटे शिशुओं को निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त आदि की शिकायतें परेशान करेंगी, इसलिए उनका ध्यान अवश्य रखें। आप अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए समय पर सोए, समय पर खाए तथा ऐसी किताबें आदि का पठन करें जिससे आपका मन खुश हो जाए। अपना थोड़ा समय धार्मिक कार्य में व्यतीत करने से भी मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपको वाहन आदि से चोट लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। आइए अब हम जानते हैं प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। यह वर्ष प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए बहुत ही उत्तम है। आप अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने तथा एंजॉय करने का सुख भोगने वाले हैं।
इस वर्ष आप अपने आप को सबसे भाग्यवान समझेंगे। आपका अधिकतर समय भविष्य की प्लानिंग करने में व्यतीत होगा। जो जातक अभी अपने लव पार्टनर को हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए भी यह वर्ष खुशखबरी लेकर आ रहा है। निश्चित रूप से आपको अपना मनचाहा साथी मिलने वाला है। पुराना रिलेशन शादी के बंधन में बंध सकता है। वर्ष के सितंबर अक्टूबर के माह में परस्पर संबंधों में किसी कारण तनाव देखने को मिलेगा, परंतु समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर वाले कई बार आपके खिलाफ हो जाएंगे, परंतु उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए तो वो जरूर मानेंगे। इस वर्ष अपने लव पार्टनर के द्वारा अच्छे अच्छे उपहार आपको मिलने वाले हैं, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। कुल मिलाकर यह साल प्रेमी जोड़ों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, धन, संतान, स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रहे हैं और इन परेशानियों से आप निजात चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान से जुड़िए। हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपका मार्गदर्शन करेंगे तथा आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए सटीक उपाय आपको बताएंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।